नई सुबह की ऑडियो कॉलम सर्विस में खुशामदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है सीखो सिखाओ मेला। कॉलम निगार हैं डॉक्टर सुगरा सदफ और आवाज है अक्सरजादा की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। सीखने का अमल हमेशा जारी रहता है। टेक्नोलॉजी की तरह सोच भी पुरानी बोसीदा और जंग आलूद हो जाती है। फिक्र के चमकते दमकते तालाब को मैला और जामिद जोहर बनने से बचाने के लिए इर्तियाश पैदा करने वाला पत्थर फेंकने वाला खेल जारी रखना पड़ता है। हम यानी वालदैन असातजा और मुआशरे पहले बच्चों को सिखाते हैं और फिर उनसे सीखते हैं, इसलिए कि हमारा जमाना तकाजे और फिक्र का अंदाज मुख्तलिफ होता है। बच्चों की बेहतरी कभी इस मुल्क के पॉलिसी साजों की तरजीह नहीं रही। दुनिया भर में बच्चों की तरबियत आगाही और शख्सियत साजी के लिए खुसूसी फिल्में डॉक्यूमेंट्रीज कार्टून सीरीज और ड्रामे बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा कोई खुसूसी सिलसिला मौजूद नहीं। हम रिवायती अंदाज में इनके हाफजे में निसाब उंडेलते रहते हैं और रट्टे पर शाबाशी देते हुए जमातों की सीढ़ियों पर तरक्की देते रहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी सोच के इजहार मकालमे और तज्जिए का मौका नहीं देते, जिसकी वजह से वो मोबाइल की स्क्रीन के आदि हो चुके हैं। अमली सरगर्मी खेलकूद मुबाहिसे जहां सेहत के लिए जरूरी हैं, वहीं शख्सियत साजी के लिए भी अहम हैं। कोई ऐसा मौका पैदा करना जहां वो स्कूल से बाहर के बच्चों और लोगों से मकालमा कर सकें बहुत मुफीद साबित होता है। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स के सबसे बड़े दफ्तर में बैठे सूफी सोच के हामिल दरवेश मैनेजिंग डायरेक्टर अहमद शहबाज खावर ने चिल्ड्रन लाइब्रेरी का चार्ज संभाला तो इसके उदास दरो दीवार को उजालने का सिलसिला शुरू किया। वसी और खूबसूरत इमारत का मुंह धोकर इसमें सजी किताबों से गर्द झाड़ी और फिर एक दुनिया को अपने मकसद में शरीक करने के लिए दो रोजा पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल, जिसकी पेशानी पर सीखो और सिखाओ की दावत चस्पा थी, का एहतमाम करके सबकी तवज्जो पर दस्तक दी के आओ देखो कि ये बच्चे इस कायनात की खूबसूरत तरीन मखलूक हैं, जिनका वजूद उम्मीद मोहब्बत और खुशी से भरा हुआ है। ये हमारा कल और हमारा आज भी है। ये मेला अपने नाम और काम के हवाले से बिल्कुल मुख्तलिफ मेला था। रोजाना हजारों की तादाद में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों असातजा मुसन्निफीन और इल्मी अदबी शख्सियात ने शिरकत की। मुख्तलिफ सिलसिले थे, कहानी खेल ड्रामा म्यूजिकल सेशंस बुक फेयर। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें पाकिस्तान की मुख्तलिफ कौमी जबानों की भरपूर तर्जुमानी की गई। बच्चों ने लिबास और जुदागाना कल्चर के खूबसूरत नमूने पेश करके दिल मोह लिए। बच्चों को पंजाबी में कहानियाँ सुनाते शायरी पढ़ते और नज़में गाते देखकर बहुत अच्छा लगा। इख्तितामी तकरीब बहुत नतीजा खेज थी। यकीनन लाहौर में चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स को पंजाबी जबान में किताबें छापने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये भी याद रहे कि बहुत से पंजाबी बोलने वाले लोग पंजाबी लिखने और पढ़ने से कासिर हैं, इसलिए कि उन्होंने ये जबान कभी सीखी ही ना थी। बच्चे रोमन की मदद से नज़में और कहानियाँ याद कर लेते हैं, मगर किताब पढ़ने के लिए जरूरी है कि दीगर सूबों की तरह पंजाबी की तदरीज भी लाजमी मजमून के तौर पर निसाब में शामिल हो। ये काम आने वाली हुकूमत को जरूर करना चाहिए। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की पूरी गुफ्तगु खैरो इस्लाह पर मबनी थी, मगर उन्होंने खुसूसी तौर पर जिस दर्दमंदी से पंजाब के उन 3 करोड़ बच्चों का जिक्र किया
जो स्कूलों से बाहर हैं, ने हाजरीन की तवज्जो को दहला दिया। याद रहे, वो बच्चे सिर्फ स्कूलों से बाहर नहीं, इस निजाम से भी बाहर हैं, जो जिंदगी को नज्म व ज़ब्त और अमन का पाबंद भी बनाता है। ये वो बच्चे हैं जिन्हें जदीद और बेरहम दुनिया का मुकाबला करने के लिए कोई सहूलत और वसीला मुयस्सर नहीं है। कल ये मौशरे में कैसे इंसान बनकर उभरेंगे, इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं। 3 करोड़ कम आबादी नहीं होती, ये पंजाब की कुल आबादी का 4/5 हिस्सा है। और बच्चों के हवाले से देखें तो और खौफनाक हकायक सामने आते हैं। अहमद शहजाद खावर चैलेंजेस कबूल करने वाला अफसर है। दफ्तर में बैठकर हुक्म चलाने की बजाय हर लम्हा सामने मौजूद और हरकत में रहता है। वो चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स को पूरे पाकिस्तान का मरकज बनाना चाहता है, जहां इल्मी अकदार और महारतों की तालीम के लिए जदीद तकनीक की सहूलत फराहम की जाए। इस वक्त भी कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ महारतें सिखाई जा रही हैं। अपने बच्चों को चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स की सैर पर ले जाएं और उन्हें लाइब्रेरी का मेंबर बनाएं। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।